वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज मेरे साथ अंश सर हैं जो कि भाई यहाँ पे मैनेजर हैं, तो इनको हर तरह की नॉलेज है कार में, जितनी भी कार से मतलब होंडा ही नहीं यहाँ तक के सारे ब्रांड्स की नॉलेज सबसे ज़्यादा भाई अंश सर को हमारे, तो इस कार के बारे में अंश सर एक्सप्लेन करेंगे आपको। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द वेन्यू एंड लाइन टुडे। और मुझे कोई गाड़ियों की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक्सपीरियंस है, बस आप लोग करिएगा, देखते हैं कैसा होता है। तो अगर हम वेन्यू एनलाइन की बात करें तो एनलाइन बेसिकली एक न्यूमरॉन्ग कॉन्सेप्ट है और ये वर्ल्ड रैसी ट्रैक चैंपियनशिप से इंस्पायर्ड है। इसी के बिहार पे हुंडई ने कॉन्सेप्ट निकाला था एनलाइन, जिसकी पहली गाड़ी थी i20 एनलाइन, दूसरी गाड़ी थी वेन्यू एनलाइन और अपकमिंग कार है हमारा क्रेटा एनलाइन जो अभी लॉन्च हुआ है रिसेंट में, जिसपे वेटिंग पीरियड चल रहा है अभी 4 to 8 weeks का। पर्टिकुलरली अगर हम वेन्यू एनलाइन कॉन्सेप्ट की बात करें तो अंडर 4 meter सेगमेंट में प्रीमियम SUV है, या आप ये कह सकते हो UV सेगमेंट में जो UV2 सेगमेंट की कैटेगरी होती है उसमें वेन्यू एनलाइन की कैटेगरी आती है। पहली गाड़ी ऐसी है SUV में अंडर 4 meter में जिसमें रडार, सेंसर्स, एडास और लेन कीप असिस्ट के ऑप्शंस मिलते हैं। अगर हम बात करें इसके फ्रंट ग्रिल की तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी फ्रंट ग्रिल मिलती है जिसको हम बोलते हैं चेकर्ड फ्लैग इंस्पायर्ड फ्रंट ग्रिल। अगर इसके लुक्स की बात करें, अपीयरेंस की बात करें, तो गाड़ी अब जब फ्रंट से ड्राइव होते हुए आती है काफ़ी आई कैचिंग लगता है फ्रंट से। अगर हम बात करें इसके हेडलैम्प्स की तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर बायफंक्शनल हेडलैम्प्स मिलते हैं LED DRLs के साथ। ये आपको इंडिकेटर्स के ऑप्शंस मिले हैं। यहाँ पे आपको क्रेटा एनलाइन जैसे रिपीटेड नहीं है, बट हाँ ये भी सिक्वेंशियल है तो अच्छा लगता है देखने में। अब मैं बात करूँगा फ्रंट बम्पर की तो यहाँ पे आपको 3-tone बम्पर मिल जाता है विद द ब्लैक, वाइट एंड सिल्वर इंसर्टेड ऑप्शन। ये आपको रेड एस्थेटिक डिज़ाइन का ऑप्शन मिलता है जो कि आज की यंग यूथ को बहुत इंस्पायर करता है। लोग आजकल मॉडिफिकेशन कॉस्मेटिक्स के पीछे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है, हुंडई आपकी एक रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। अब हम बात करते हैं अलॉय व्हील की, तो नथिंग लाइक अलॉय व्हील। जो लोग सोचते हैं कि अलॉयज में कुछ ज़्यादा नहीं होता, तो अगर आप वेन्यू में चेक करिएगा एक बार इस पहले वीडियो में जो कि आपको जमशेद जी ने बना के दी होगी, उसमें आप चेक करिएगा और इसके अलॉय के डिज़ाइन में चेक करिएगा, काफ़ी डिफरेंस है। इट लुक्स लाइक सम प्रीमियम अलॉयज। एंड सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे भी आपको इनलाइन का बैजिंग मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रंट फेंडर पे भी आपको इनलाइन का बैजिंग मिल जाएगा जो कि अगेन एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, आपके पर्टिकुलर वेरियंट को बार बार हाईलाइट कर रहा है, सो दैट आपको ये कभी नहीं लगेगा कि आप वेन्यू से वेन्यू एनलाइन पे अगर आप शिफ्ट कर रहे हो 1 lakh rupees महंगी गाड़ी खरीद रहे हो तो वहाँ पे कोई कॉस्ट कटिंग कर रही है कंपनी, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। रेड कलर के कैलिपर्स भी मिलेंगे, अगेन बहुत स्पोर्टी फील देता है, यंग यूथ को इंस्पायर करता है। रेड इंटीरियर्स विद सीटिंग इंसर्ट्स, पाइपिंग ऑप्शंस, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। आप इवन देन रूफ रेल में भी रेड इंसर्ट्स पाते हो, सो दैट थोड़ा सा स्पोर्टी फील होता है वाइल ड्राइविंग। अगर हम बात करें रियर स्पॉइलर की तो नॉर्मली अगर हम एक बगल में हमारे क्रेटा खड़ी है उसके स्पॉइलर को चेक करें तो वहाँ पे आप देख सकते हो मोनोटोन में बिल्कुल सेम आता है, बट ये भी गाड़ी हमारी मोनोटोन है, बट आप देख सकते हो कि ब्लैक एंड वाइट पे पेंटेड है, सो दैट इट लुक्स ऑसम, कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ स्पोर्टी अपील वाली गाड़ी जा रही है। एंड बाकी रोड प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है इस पर्टिकुलर एनलाइन सीरीज की। रेयर में अगेन आपको कैलिपर इंसर्ट्स मिल जाते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ है जो इस व्हीकल की कहते हैं ना, हर प्रोडक्ट में एक पिलर होता है, तो एनलाइन सीरीज में आपको ये पिलर है इसका साउंड जिसके लिए लोग क्रेजी होते हैं, क्यों जमशेद जी? और यही चीज लोग मॉडिफाइड करवाते हैं, एग्जॉस्ट लगवाते हैं बाहर से, तो कंपनी ने सोचा खुद हम दे दें। और जो कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट है और जो SRIs है उसमें बहुत वो इंजन को डैमेज कर देते हैं, बाहर का एग्जॉस्ट डैमेज करते हैं, कभी कभार ये मफलर्स जो इसमें एक्स्ट्रा फिटेड होते हैं वो निकल भी आते हैं तेज ड्राइविंग के समय, बट यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगेन फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा इंजन पावर और ट्रांसमिशन की या इंटीरियर पैनल्स की, तो इंटीरियर में अगेन आपको ब्लैक एंड रेड एस्थेटिक पाइपिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको इनलाइन का लोगो मिल जाएगा, ड्राइव मोड्स के ऑप्शन मिल जाएंगे, गियर लीवर पे आपको इनलाइन का लोगो मिल जाएगा, ये सारे ऑप्शन आपको अंदर देखने को मिल जाते हैं। इंटीरियर भी काफ़ी व्हीकल बहुत अपील्ड है, नॉर्मल वेन्यू में आपको 2-tone इंटीरियर मिलता है। अगेन फिर मैं इंजन ऑप्शन की बात करूँ, 1.0 liter का टर्बो इंजन मिलता है विद N6 एंड N8 ऑप्शन। N6 में आपको MT ऑप्शन मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन, N8 में आपको DCT ऑप्शन भी मिलेगा और मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन भी मिलेगा। दोनों वेरियंट्स में कुछ फीचर्स वाइज डिफरेंसेज हैं, वैसे ही कॉस्ट वाइज है। आई होप मैंने आपको सारी जानकारी तो नहीं दे पाया हूँ इतने शॉर्ट वीडियो में, बट हाँ फिर मिलेंगे एंड अ वेरी गुड नाइट टू everyone. सो थैंक यू सो मच, वी विल कनेक्ट अगेन। थैंक यू सर फॉर एक्सप्लेनिंग द वेन्यू एंड लाइन।
सो कुछ इस तरह यहाँ पे आप देख। और सर इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस कहाँ से स्टार्टिंग है इसका? इसका एक शोरूम समवेयर अराउंड 1589 से स्टार्ट। 1589, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अगली कोई न्यू वीडियो में, तब तक भाई चैनल को लाइक करिए, सॉरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।